गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन. इन एस्टरडेज बायोलॉजी क्लास, इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द डिसीजेज एंड इट्स कॉजेज. वी स्टडीड अबाउट द डिसीजेज एंड इट्स कॉजेज. यस, राइट. सो वॉट इज डिसीज? सो वॉट आर द साइंस? वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज? बट टूडे In our today's class, we are going to study about the acute and chronic diseases. Okay, children, what we are going to study today? About acute and chronic diseases. So, what is acute disease and what is a chronic disease? What is acute disease and what is chronic disease, children? Do you know a difference between these two? So, what is acute disease, children? Acute disease का मतलब है few days duration. क्या है acute diseases? Few days duration मतलब ऐसे diseases, acute diseases थोड़े दिन के लिए आते और जल्दी भी चले जाते. But chronic diseases का मतलब क्या है? Chronic diseases का मतलब है lifetime duration. मतलब ऐसी बीमारियां, ऐसे डिसीजेस अपने को लाइफ टाइम रहते. ऐसे डिसीजेस को क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीजेस बोलते हैं. ओके, समझ में आया आप लोगों को? एक्यूट डिसीजेस मतलब फ्यू डेज ड्यूरेशन. ये डिसीजेस का ड्यूरेशन क्या है? थोड़े दिन तक ही रहता. बट क्रोनिक डिसीजेस का ड्यूरेशन क्या रहता? लाइफ टाइम. मतलब अपन मरे दम तक ये डिसीजेस क्या है? अपना पीछा नहीं छोड़ते. तो ऐसे डिसीजेस को अपन क्रोनिक डिसीजेस बोलते हैं, और जो जल्दी आगे जल्दी चले जाने वाले रहते हैं ऐसे डिसीजेस को अपन एक्यूट डिसीजेस बोलते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे क्या है? द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन हाउ वी परसीव द डिसीज इज इट्स ड्यूरेशन. मतलब द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसीज मतलब उसका ड्यूरेशन, वो कब आ रही, वो कब जा रही, उसके लिए कितना टाइम लग रहा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब क्या है, किस पर डिपेंड रहता है? विल बी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं किसके ऊपर? ये डिसीज के ड्यूरेशन, टाइम पर. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन हाउ वी परसीव द डिसीज इज इट्स ड्यूरेशन. थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है डिसीजेस को अपन परसीव करने के लिए? ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन तक रहती वो, उसका टाइम क्या है. सम डिसीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिसीजेस. मैं जैसा आप लोगों को पहले बोली, थोड़े ऐसे बीमारियाँ रहते जो बहुत कम टाइम के लिए आते, तो ऐसे बीमारियों को अपन क्या बोल रहे हैं? एक्यूट डिसीजेस बोल रहे हैं. और वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज. कॉमन कोल्ड मतलब अपने को जो जुकाम हो जाता ना, अपने को अगर जुकाम हो गया, अपने को अगर सर्दी हो गई, तो ये कितने दिन के लिए रहती? मैक्सिमम 4 दिन, अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो 8 दिन बस. तो ऐसे डिसीजेस को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट डिसीजेस बोलते हैं. अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज ए लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड क्रोनिक डिसीजेस. ठीक है, जो लाइफ टाइम रहते हैं अपने साथ, ऐसे डिसीजेस को क्रोनिक डिसीजेस बोलते हैं. An example is the infection causing elephantiasis, which is very common in some parts of the India. तो ये elephantiasis, ये एक disease का नाम है children. Elephantiasis एक बीमारी का नाम है. ये बीमारी अपने को लाइफ टाइम रहती. So elephantiasis मतलब क्या है? अपने बॉडी का कौन सा भी एक पार्ट एकदम स्वेल हो जाता. कौन सा भी एक पार्ट क्या है? एकदम स्वेल हो जाता, तो ये elephantiasis बोलते हैं. ऐसे आप लोग elephant का leg देखे, तो एलिफेंट के लेग के उतना स्वेल हो जाता अपना लेग, तो ऐसे डिसीजेस को एलिफेंटियासिस बोलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 4, व्हाट इज देयर इन दिस एक्टिविटी 4? हाउ मेनी पीपल डिड सफर फ्रॉम एक्यूट डिसीजेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स? अपन क्या करना है? एक सर्वे करना है अपने आसपास के नेबरहुड में. अपन को सर्वे करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर मालूम करना है. कौन से क्वेश्चंस है ये? हाउ मेनी पीपल डिड सफर फ्रॉम एक्यूट डिसीजेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स? सो ये अपने को एक टेबल फॉर्म में लिखना रहता है. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग लिखना. कौन सा? ये सर्वे करके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना. नेक्स्ट एक्यूट क्रोनिक डिसीजेस एंड पुअर हेल्थ. अब यहाँ पे एक्यूट क्रोनिक डिसीजेस और पुअर हेल्थ के बारे में है. एज वी कैन इमेजिन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. ठीक है, ये एक्यूट और क्रोनिक डिसीजेस का अपने हेल्थ के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स रहते. एनी डिसीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल.
ठीक है। अगर अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के अंदर के ऑर्गन में अगर ज़रा सा भी फॉल्ट हो गया, अगर ज़रा सा भी फॉल्ट हो गया तो अपनी हेल्थ पे क्या हो गया था, अफेक्ट हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ, राइट। ये अपने को मालूम ही है। अपन हेल्थी रहना का मतलब क्या है, अपने अंदर अपने बाहर सब नॉर्मल रहना, अपने अंदर भी बॉडी अपनी नॉर्मल रहना। अगर अपने अंदर भी कुछ भी ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो अपनी हेल्थ पे क्या हो जाता, अफेक्ट हो जाता। बट एन एक्यूट डिसीज विच इज़ टर्मिनेटेड वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर अफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ व्हाइल ए क्रोनिक डिसीज़ विल डू सो। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्यूट डिसीजेस मतलब जो शॉर्ट टाइम रह के चले जाने वाले डिसीजेस रहते हैं वो अपनी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देते। बट कौन से डिसीजेस देते हैं, क्रोनिक डिसीजेस देते हैं जो अपने साथ लाइफ टाइम रहते हैं। ये डिसीजेस अपनी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स देते, ठीक है, अपने अंदर से अपने को बहुत वीक कर देते ये डिसीजेस। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए कॉफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो एंड देर आर नो बैड इफेक्ट्स ऑन अवर हेल्थ। वी डू नॉट लूज वेट, वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ ए फ्यू डेज ऑफ कॉफ एंड कोल्ड। अब यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन, असल शॉर्ट में अगर अपने को कॉफ और कोल्ड हो गया, एग्जाम्पल कॉफ और कोल्ड हो गया, तो ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहता, अगर 3-4 दिन, अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो एक वीक तक, तो इसका क्या होता है, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता इन्हें। तो अपन कॉफ और कोल्ड से अपन अपना वेट लूज करते क्या, अपने को सांस लेने में तकलीफ होती क्या, नहीं होती, अपन थके हुए फील होते नहीं, ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए आती और चले जाती। लेकिन बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रोनिक डिसीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स देन बींग इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, अगर अपने को एक क्रोनिक डिसीज हो गई, क्रोनिक डिसीज एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते ना अपन, तो ये टीबी किसको रिलेटेड है, लंग डिसीज है ये। तो अपने को टीबी से क्या होता, कॉफ होती फुल और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस से अपने को अपन इल हो जाते ओवर द ईयर्स एंड डज मेक अस लूज वेट। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस से अपना वेट लूज हो जाता है एंड वी फील टायर्ड ऑल द टाइम। तो कॉफ कर करके खांस खांस के क्या हो जाता, अपने को टायर्ड फील होता। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन अक्यूट डिसीज बट ए क्रोनिक डिसीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो वॉट इज बींग टॉट इन द स्कूल एंड रिड्यूस अवर एबिलिटी टू लर्न। अगर एक्यूट डिसीज हो गई, लाइक कॉफ एंड कोल्ड अगर हो गया, तो अपन स्कूल को सिर्फ 2 या 3 डेज अपन हॉलीडे ले सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक डिसीज हो गई तो अपन स्कूल को अगर गए अभी तो वहाँ पे अपन अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा सकते स्कूल के ऊपर। सो अब क्या हो जाता है, वहाँ पे अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी कम हो जाती। इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड इल हेल्थ इफ़ वी हैव ए क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज देयर फॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ एज कम्पेयर टू एक्यूट डिसीज। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्यूट डिसीजेज जो 2-3 दिन या फिर 8 दिन रह के चले जाने वाले बीमारियों से जो जिंदगी भर रहते बीमारियाँ, ये बीमारियाँ बहुत डेंजरस है, तो ऐसे डिसीजेज से अपने को बचना है। नेक्स्ट, कॉसेस ऑफ डिसीज, व्हाट आर द कॉसेस फॉर डायरिया, टीबी, व्हाट कॉज अ डिसीज, व्हेन वी थिंक अबाउट कॉसेस ऑफ डिसीज। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आखिर क्या है कॉसेस, ये कैकू होते ये बीमारियाँ अपने को कैकू होते, तो व्हाट इज द कॉसेस ऑफ डिसीज। रिमेंबर दैट देर आर मेनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेस, लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेस है, देखेंगे अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे। इफ देर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशंस इज एन इन्फेक्शन ऑफ विद अ वायरस। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसीज इज ए वायरस। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बेबी अगर लूज मोशन से सफर हो रहे तो अपन क्या करते हैं, ये वायरस का इन्फेक्शन है, बल्कि अपन इमीडिएट कॉज उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट कराते हो वो बेबी का। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता, अच्छा ये बेबी को लूज मोशंस हुए, लूज मोशंस की वजह क्या है, वायरस है, ये वायरस आया कहाँ से। सो सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशंस व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है चिल्ड्रन, गौर से सुनो ये, बेबी अगर लूज मोशन से सफर हुई तो इसका रीजन क्या था, वायरस था, इसका रीजन क्या था, वायरस। अगर अच्छा वायरस हुआ ना, अब ये वायरस आया कहाँ से, अगर ये वायरस, वो बेबी अनक्लीन वाटर मतलब साफ पानी नहीं पीने से ये बेबी को ये वायरस आया, ये वायरस लूज मोशंस, ये वायरस की वजह से लूज मोशंस हुए,
लेकिन ये बेबी के साथ साथ दूसरे बेबीज भी पिए होंगे ना, वो साफ नहीं है सो पानी, तो वो पानी से वो बेबीज को भी फिर अफेक्ट पड़ना था। फिर ये एक बेबी कुछ क्यों लूज मोशंस हो रहे हैं बोल के क्वेश्चन है यहाँ पे। सो वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। एक रीजन क्या हो सकता है कि ये बेबी हेल्दी नहीं है, इसीलिए ये बेबी कुछ क्या हो रहे, डायरिया, लूज मोशंस हो रहे। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिसीज व्हेन एक्सपोज टू सच रिस्क, वेयर एज हेल्दी अ बेबीज वुड नॉट। व्हाई इज द बेबी नॉट हेल्दी, क्या है अब यहाँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पे है, क्या है यहाँ पे, बेबी हेल्दी का ही को नहीं है। Perhaps because it is not well nourished and does not get enough food, so lack of good nourishment becomes a second level cause of the disease the baby is suffering from. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, बेबी हेल्दी कई को नहीं है, ये एक इज बेबी हेल्दी कई को नहीं है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि बेबी को सही फूड नहीं मिल रहा। ठीक है, सही फूड नहीं लेने से भी अपने अंदर क्या हो जाती, कमजोरी एक किस्म की कमजोरी पैदा हो जाती। फर्दर वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, अब अगला क्वेश्चन क्या है, बेबी वेल नरिश्ड कई को नहीं है। परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज वेरी पुअर, तो पुअर घर से रहने से भी उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स इट मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम लूज मोशंस व्हेन एक्सपोज टू सच ए वायरस। विदाउट द वायरस जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशंस, बट दे डू नॉट डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पे क्या है, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट, तो क्या बोल रहे हैं जेनेटिकली, मतलब उनको उनके पेरेंट्स से आई होंगी वो क्या बोलते हैं जेनेटिकली पेरेंट्स से आए सो बीमारी होंगी उनको। सो व्हेन एक्सपोज टू सच ए वायरस, विदाउट द वायरस जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन विल नॉट लीड टू लूज मोशंस। ठीक है, लेकिन फिर क्या क्वेश्चन आ रहा, सिर्फ एक जेनेटिक डिफरेंस होने से या फिर पुअर नरिशमेंट से ये वायरस आने के चांसेस नहीं हैं, बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी, बट ये हेल्प करते वो वायरस को हेल्प करते, कौन कौन, ये जो जेनेटिक डिफरेंस है या फिर पुअर नरिशमेंट, खाना सही नहीं लेने से भी ये लोग वायरस को हेल्प करते, किस चीज़ में, बीमारी डिसीज अटैक होने में। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को सबको। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द फर्दर टॉपिक। थैंक यू।